सुप्रभात सारे बच्चों, आज मैं कक्षा एक को पिछले कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था पहला पाठ। आज मैं पढ़ा रहा हूं दूसरा पाठ, व्याकरण का दूसरा पाठ। इसका हिंदी व्याकरण का दूसरा पाठ, हिंदी व्याकरण व्याकरण का पार्ट दो, ठीक है। वर्ण, तो वर्ण आप जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने भेद हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण का संयोजन कैसे करते हैं, कैसे जोड़ते हैं और कैसे वर्ण विच्छेद करते हैं, कैसे वर्णों को हम लोग अलग करते हैं, इसके विषय में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, पाठ का भी प्रशंसन भी होते जाएगा और समझते भी जाएंगे। आप देखिए पाठ वर्ण है, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करना, इसे अनिवार्य अनिवार्य को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए मैं लिख दिया हूँ। अ जोड़ नो हलंत करेंगे, ई जोड़ व हलंत, जोड़ आ जोड़ रो हलंत, य जोड़ ओ, इससे बना है अनिवार्य। जैसे देखिए यहाँ आरंभ है तो आ को आ जोड़ रो जोड़ ओ अनुस्वार जोड़ भौ जोड़ ओ, इस तरह से आरंभ। अब सत्यनिष्ठ सौ जोड़ ओ जोड़ तो जोड़ सौ जोड़ ओ जोड़ नौ जोड़ ई उधन सौ जोड़ ठ जोड़ आ, जितना अक्षर है इसमें देखिएगा स्वर वर्णों को छोड़ करके सभी में हलंत लगा दीजिएगा। उसके बाद है देशभक्ति, दो जोड़ ए जोड़ तालब सौ जोड़ ओ जोड़ भ जोड़ ओ जोड़ को जोड़ तो जोड़ ई, क्या बन गया देशभक्ति। जलाशय, जो जोड़ ओ जोड़ लो जोड़ आ जोड़ सौ जोड़ ओ जोड़ यो जोड़ ओ, जलाशय। दुरुपयोग, दू होता है तो इसको मैं तोड़ दिया तो दो हलंत आ जाएगा, ऊ जोड़ रो फिर ऊ जोड़ पौ जोड़ ओ जोड़ यो जोड़ ओ जोड़ गौ जोड़ ओ। दुरुपयोग, पुत्र पौ जोड़ ऊ जोड़ तो जोड़ रो जोड़ ओ, ये ध्यान रखना है जितने व्यंजन आ रहे हैं उसमें आप हलंत अवश्य लगाएंगे। बच्चा, बो जोड़ ओ जोड़ चो हलंत जोड़ चो हलंत जोड़ आ बच्चा। फिर इसी का दूसरा तरह से है कि आपके पास वर्ण विच्छेद लिखा हुआ है, आपको इसको संयोजन करना है, निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे प रो ओ, प जोड़ रो जोड़ ओ जोड़ यो जोड़ ओ जोड़ गौ जोड़ ओ। प्रयोग, सौ जोड़ आ जोड़ मौ जोड़ ओ जोड़ गौ जोड़ रो जोड़ ई। सामग्री, प जोड़ ऊ जोड़ सौ जोड़ तो जोड़ ओ जोड़ कौ जोड़ ओ। पुस्तक, सौ जोड़ अंग अंग जोड़ तो अनुस्वार जोड़ तो जोड़ ऊ जोड़ लो जोड़ ओ जोड़ नौ जोड़ ओ। संतुलन, हो जोड़ री जोड़ दो ओ जोड़ ओ जोड़ यो जोड़ ओ। हृदय, सौ जोड़ ओ अनुस्वार जोड़ चौ जोड़ ओ जोड़ यो यो जोड़ ओ। संचय, आ जोड़ तालब सौ जोड़ ओ अनुस्वार जोड़ को जोड़ आ। आशंका, व जोड़ ई यो जोड़ ओ जोड़ गौ जोड़ ई जोड़ नौ जोड़ ई। वियोगिनी, ठीक है। अब इधर में क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों को सही स्थानों पर नुक्ता लगाना है। नुक्ता क्या है, तो हम लोग जैसे कहते हैं मजबूर, तो यहाँ पर जो शब्द जो है हमारे अक्षर में जो कौखों में हम लोग पढ़ते हैं जो अक्षर फो अक्षर, ये हमारी जो हिंदी में आई है वह उर्दू शब्दों से आई है, उर्दू भाषा से ये दो अक्षरों का हमारे हिंदी में प्रयोग होता है, तो इसलिए इसमें नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। देखे होंगे कि आप उर्दू में लिखने वाले जो लिखते हैं उसमें नुक्ता का प्रयोग खूब करते हैं वो लोग, तो यहाँ पर भी जो और फो में नुक्ता लगेगा, जहाँ जहाँ नौ जो रहेगा और फो रहेगा उसका उच्चारण भी इस तरह से होता है। इसे कैसे उच्चारण करते हैं, इसका मजबूर कैसे करते हैं, मजबूर बोलते हैं। जैसे बाजार, बाजार शब्द होता है, हम लोग बोलते हैं इसे आम बोलचाल में बाजार, लेकिन उच्चारण क्या होता है उसका, बाजार। जो जो शब्द होता है, इस ध्यान रखिएगा मजबूर, तो जो में नुक्ता लगाना है या फॉर्म में लगाना है या जो में लगाना है या फॉर्म लगाना है, फिर जहाँ जहाँ जो होगा और जहाँ फो होगा वहाँ पर नुक्ता लगाना, नुक्ता नीचे में बिंदु लगाना है फो, और ये फो के नीचे है बगल में फो नुक्ता, ठीक है।
तो निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार कौन है और अनुनासिक कौन है? चंद्रबिंदु जहाँ लगेगा वो अनुनासिक है और जहाँ अनुस्वार लगेगा वो अनुस्वार, ठीक है, बिंदु रहेगा अनुस्वार। देख लीजिए, संयुक्त में अनुस्वार है, अंश में अनुस्वार है, आंगन में अनुनासिक है, गोंद में अनुस्वार है, गंभीर में अनुस्वार है, कांपना अनुनासिक है, संरचना अनुस्वार है, चौंकना अनुस्वार है, देख रहे हैं। अब है निम्नलिखित शब्दों को द्वित्व व्यंजनों से बने शब्द लिखिए। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व मतलब क्या, एक ही वर्ण को दो बार लिखना। जैसे आप कहते हैं थप्पड़, पौ पौ, दो बार आया है। उसके बाद लज्जा, जौ जौ दो बार आया है, नौ नौ दो बार आया है, पच्चीस चौ चौ दो बार आया है, लड्डू लड्डू भी हो जाएगा, लड्डू में भी आप लिख सकते हैं, यहाँ अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, लड्डू भी है, क्या है, लड्डू भी आपका द्वित्व व्यंजन है, क्योंकि दो में दोनों डॉ डॉ है। तो ये नहीं है, क्योंकि इसमें नौ अलग है और मो अलग वर्ण है, संयुक्त है लेकिन ये दोनों अलग है, इसलिए द्वित्व व्यंजन नहीं कहलाएंगे। ये भी द्वित्व व्यंजन नहीं कहलाएंगे, ये भी द्वित्व व्यंजन नहीं कहलाएंगे, क्योंकि सौ अलग वर्ण है और वो अलग वर्ण है, को अलग है, खो अलग है। तो जिसमें दोनों एक ही समान वर्ण वाले जुड़ेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व का अर्थ ही होता है दो बार प्रयोग होने वाले वर्ण, द्वित्व व्यंजन, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में, संयुक्त व्यंजन को शब्द को छांटना है। संयुक्त व्यंजन, जैसे अभी हमने कहा ये जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, संयुक्त व्यंजन, तो इस तरह के वर्डों को, शब्दों को छांटना है। जैसे विख्यात, देख रहे हैं, ख यो है, विख्यात है, न्याय है। अब यहाँ देखिए दोनों एक जैसा है, तो ये तो द्वित व्यंजन हो गया, तो ये वाला नहीं लिखना है। ज्वाला, दोनों अलग अलग है, इसलिए ये क्या, कैसा व्यंजन, कैसा शब्द है, तो संयुक्त व्यंजन वाले शब्द हैं। ये भी संयुक्त व्यंजन वाले शब्द हैं, ये भी नहीं हुआ, क्योंकि टोटो दो बार आया, इसलिए द्वित व्यंजन ये नहीं हो, द्वित व्यंजन हो गया, संयुक्त व्यंजन नहीं हुआ। फिर ये संयुक्त व्यंजन हो गया, ये भी संयुक्त व्यंजन नहीं हुआ, क्योंकि दोनों एक ही जैसा वर्ण है, यहाँ अलग अलग है, इसलिए ये हो गया संयुक्त व्यंजन, ये भी संयुक्त व्यंजन, ठीक है। उसके बाद है 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को आवश्यकता अनुसार नुक्ता का प्रयोग करना है। नुक्ता फिर यहाँ लगाना है, तो फिर कहाँ लगाएंगे, आपको बता दिया था मैंने, जौ के नीचे लगाना है और फो के नीचे। तो यहाँ जौ है, यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, फो यहाँ है तो यहाँ लगाए, फसल यहाँ है तो लगाए, फिल्म में लगाए फो में, फिलहाल में लगाए फो में, मजदूर में फिर जौम लगाए और जिम्मेदार में जौम लगाए। इस प्रकार से आपने देखा कि सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, चैप्टर वर्ण जो है पार्ट टू जो है आपका व्याकरण का भाग खत्म हो गया। फिर हम अगले वीडियो में या अगले पार्ट क्लास में मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा शब्द। धन्यवाद।